आज देखिए हम ये वाली ड्रेस बनाएंगे। ये 4 नंबर के कान्हा जी के लिए है। तो ये बहुत ही इजी पैटर्न है और ये किसी भी साइज़ में बना सकते हैं और बहुत ही सुंदर भी लगता है और बहुत ही जल्दी भी बन जाता है। देखिए मैंने 3 नंबर के कान्हा जी के लिए बनाए हैं। देखिए सेम यही पैटर्न और ये बहुत ही सुंदर पैटर्न है। देखिए तो चलिए हम इसे आज बनाते हैं। इसका घेर भी बहुत अच्छा बनता है और ये बहुत ही जल्दी भी बन जाती है। और देखिए सबसे पहले एक स्लिप नॉट बनाएंगे और चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 इस तरह से हम टोटल 19 चेन्स बनाएंगे। इस तरह से 19 चेन बना ली 19। अब देखिए फर्स्ट यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन स्किप करेंगे। फोर्थ वाली चेन में 3 चेन स्किप करके फोर्थ वाली चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। नेक्स्ट वाली चेन में भी एक डबल क्रोशे बनाएंगे। इसे नेक्स्ट में भी डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। तो इस राउंड में हम हर चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। तो सभी चेनों में एंड तक डबल क्रोशे बनाते जाएंगे इस तरह से। देखिए हमने सभी में डबल क्रोशे बनाए एक एक। जो स्टार्टिंग में हमने 3 चेन स्किप करी थी वो भी एक डबल क्रोशे काउंट होगा। तो इस तरह से हमारे पास टोटल काउंट करेंगे तो 17 डबल क्रोशे बनेंगे। अब देखिए नेक्स्ट राउंड के लिए हम 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। टर्न करेंगे पैटर्न को और नेक्स्ट वाली जो चेन है अगली चेन में एक डबल क्रोशे और इसी में एक और डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। फर्स्ट में 3 चेन एक डबल क्रोशे काउंट होगी। नेक्स्ट में 2 बनाए, अगली वाली चेन में भी 2 बनाए, 1 डबल क्रोशे और ये 2 डबल क्रोशे। तो इस राउंड में हम हर चेन में 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। बस फर्स्ट में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे और लास्ट वाली चेन में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। बाकी सब में 2 2 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से हमने सभी में 2 डबल क्रोशे बनाए। अब जो ये फर्स्ट वाली में 1 बनाया था, अब लास्ट वाली जो 3 चेन थी हमारे पास उसमें से थर्ड वाली जो सबसे ऊपर है उसमें क्रोशे को डाल के 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो लास्ट वाली चेन में हमने 1 डबल क्रोशे बनाया इस तरह से। अब हम इनको काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 इस तरह से टोटल हमारे पास ये 32 डबल क्रोशे होने चाहिए। अब नेक्स्ट राउंड के लिए देखिए 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। टर्न करेंगे पैटर्न को, 3 चेन एक डबल क्रोशे काउंट होगा और ये नेक्स्ट वाली चेन में भी 1 डबल क्रोशे बनाएंगे और इसके नेक्स्ट वाली चेन में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। थर्ड वाली में फर्स्ट में 1, सेकंड में 1, थर्ड में 1 और इसी में एक और 2 डबल क्रोशे थर्ड वाली चेन में। नेक्स्ट में देखिए नेक्स्ट चेन में 1 डबल क्रोशे, उससे अगली वाली चेन में भी 1 डबल क्रोशे और उससे अगली वाली चेन में 1 डबल क्रोशे और सेम इसी चेन में एक और डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे। तो इस तरह से हम हर थर्ड चेन में इंक्रीज़ करेंगे। फर्स्ट में 1, सेकंड में 1, थर्ड में 2, तीसरी चेन में बढ़ाते जाएंगे 2 डबल क्रोशे। तो इस तरह से राउंड बनाएंगे। देखिए इस तरह से हमने बनाया तो इस राउंड में हमारे पास टोटल 42 डबल क्रोशे होंगे। फर्स्ट राउंड में हमारे पास 17 डबल क्रोशे, सेकंड राउंड में हमारे पास 32 32 और थर्ड राउंड में हमारे पास 42 42 डबल क्रोशे होंगे। अब देखिए यहाँ से हम बाजू बनाएंगे तो 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। पैटर्न को टर्न करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाली चेन में 1 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। ये जो 3 चेन है ये भी 1 डबल क्रोशे है, 2 डबल क्रोशे। नेक्स्ट वाली चेन में ये 3 डबल क्रोशे, इससे अगली चेन में ये 4, इससे अगली चेन में 5 डबल क्रोशे, इससे अगली चेन में 6। तो 6 डबल क्रोशे बनाए हमने देखिए इस तरह से। अब यहाँ से हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन स्किप करेंगे 9 और 10th वाली चेन में हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इस तरह 10th वाली चेन में 1 डबल क्रोशे बनाया, फिर नेक्स्ट वाली चेन में भी 1 डबल क्रोशे बनाएंगे, इसे नेक्स्ट वाली चेन में भी डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस साइड में हम ये देखिए फर्स्ट बाजू हमारा निकल आया, बैक साइड में हम टोटल हर चेन में 12 चेनों में 12 डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से 4 5 तो टोटल 12 बनाते हैं। देखिए इस तरह से हमने 12 डबल क्रोशे बनाए यहाँ से। अब सेकंड बाजू बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 चेन स्किप करेंगे 9, 10th वाली चेन में फिर से हम 1 डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह।
और नेक्स्ट चेन में भी डबल क्रोशे बनाएंगे दो, इसे नेक्स्ट में भी तीन डबल क्रोशे, नेक्स्ट में चार, अगली वाली चेन में पांच। अब देखिए लास्ट में जो ये थ्री चेन से उसमें से फर्स्ट सेकंड थर्ड जो ऊपर वाली चेन है उसमें भी क्रोशे को डालेंगे और ये छह डबल क्रोशे बनाएंगे, एक दो तीन चार पाँच छः। तो इस तरह से देखिए हमारा ये बन गया इस तरह, ये चार नंबर के गोपाल जी की चोली बन गई। देखिए ऐसे ये दूसरा बाजू भी बन गया। अब देखिए यहाँ से हम थ्री चेन बनाएंगे। अब हम इसकी लेंथ बढ़ाएंगे चोली की, दो तीन चेन बनाएंगे, टर्न करेंगे। अब हर चेन में एक एक डबल क्रोशे बनाएंगे। एक देखिए हमारे पास इस तरफ छः डबल क्रोशे और इस तरफ छः डबल क्रोशे, छः और छः 12 और बैक साइड में भी 12, टोटल हमारे पास 24 डबल क्रोशे बने। और हम इस राउंड में भी हर डबल क्रोशे के ऊपर डबल क्रोशे बनाएंगे, तो 24 के ऊपर 24 डबल क्रोशे बनाते जाएंगे। तो इस तरह से हम ये चोली की लंबाई बढ़ाएंगे, लेंथ तो बनाते जाते हैं। देखिए इस तरह से सभी में हमने डबल क्रोशे बनाया, इस तरह ये लेंथ बढ़ी चोली की हमारी। अब देखिए हम ये जो हमने तीन चेन बनाई थी उसमें से देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड वाली चेन में क्रोशे को डालेंगे और यहाँ से जोड़ लेंगे, ज्वाइन कर लेंगे चोली को। अब देखिए जोड़ने के बाद हम एक दो और ये तीन चेन बनाएंगे और तीन चेन एक डबल क्रोशे काउंट होगी और इसी जगह पे सेम चेन में एक डबल क्रोशे और बनाएंगे, दो डबल क्रोशे। तो नेक्स्ट वाली चेन में भी हम एक डबल क्रोशे और एक और डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे, और नेक्स्ट वाली चेन में भी एक डबल क्रोशे और ये एक और डबल क्रोशे। तो इस राउंड में हम सभी चेनों में दो दो डबल क्रोशे बनाते जाएंगे, हर चेन में दो दो डबल क्रोशे। देखिए हम इस तरह से हमने सभी में दो दो डबल क्रोशे बना लिए, तो इस तरह से घेर बनना स्टार्ट हो गया। अब लास्ट में देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड वाली चेन में क्रोशे को डालेंगे और स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे इस तरह। अब नेक्स्ट के लिए एक दो और ये तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन एक डबल क्रोशे काउंट होगी। अब देखिए हम इस वाले को नहीं काउंट करेंगे, फिर यहाँ से एक डबल क्रोशे दो डबल क्रोशे स्किप करेंगे और ये दो डबल क्रोशे के बीच में जो स्पेस है, जगह है, उसमें एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन और ये इसी वाली जगह पे एक डबल क्रोशे और बनाएंगे। देखिए सेम जगह पे इस तरह ये वी स्टिच जैसा हो गया। अब नेक्स्ट देखिए हम एक और ये दो डबल क्रोशे स्किप करेंगे, इन दोनों के बीच में देखिए डबल क्रोशे, नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे से यहाँ से देखिए इस तरह से नेक्स्ट वाले डबल क्रोशे में इस तरह से एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे ऐसे। तो देखिए इस तरह से बना हमारा। अब नेक्स्ट देखिए एक और ये दो डबल क्रोशे स्किप करेंगे, अब ये जो इन दोनों के बीच में फिर से हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन और एक इसी वाली जगह पे सेम जगह पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। देखिए बी स्टिच जैसा बन गया। अब नेक्स्ट के लिए देखिए हम एक और ये दो डबल क्रोशे स्किप करेंगे, यहाँ से ये देखिए इस तरह से अपने डबल क्रोशे को उठाएंगे, इस तरह फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। और नेक्स्ट में देखिए फिर एक और ये दो डबल क्रोशे स्किप करेंगे, इन दोनों के बीच में देखिए नेक्स्ट दो डबल क्रोशे के बीच में ये एक और ये दो स्किप करा, अब ये देखिए इन दोनों के बीच में डालेंगे, फिर हम एक डबल क्रोशे एक चेन वी स्टिच जैसा और एक डबल क्रोशे यहाँ पे बनाएंगे इस तरह। बहुत ही इजी राउंड है और ये पैटर्न भी बहुत इजी। अब देखिए फिर एक डबल क्रोशे और ये दो स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में देखिए फ्रंट से डालेंगे, आगे से क्रोशे को इस तरह डालेंगे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह से ये राउंड बनाते जाएंगे, बहुत इजी है। एक बार और देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाने के बाद एक डबल क्रोशे दो स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाली में बीच में डालेंगे, हम किसी चेन में नहीं डालेंगे, बीच में डालेंगे एक डबल क्रोशे, फिर एक चेन और सेम जगह पे एक और डबल क्रोशे इस तरह से वी स्टिच बनाया हमने। अब नेक्स्ट एक और दो स्किप करेंगे, नेक्स्ट वाले में तीसरे वाले में हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से ऐसे। तो हम एक वी स्टिच एक फ्रंट पोस्ट इस तरह से राउंड में बनाते जाएंगे। देखिए हमने ये फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद ये एक और ये दो स्किप करेंगे और दो डबल क्रोशे के बीच में इस तरह से एक डबल क्रोशे बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे और इसी जगह पे एक और डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। अब नेक्स्ट देखिए अब
यहाँ से एक और दो स्किप करेंगे और ये जो थर्ड वाली है इसके ऊपर देखिए फ्रंट पोस्ट उठाएंगे ऐसे, फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे और एक इस तरह बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट में हमने एक दो स्किप करा, इसके ऊपर ये है जो हमने तीन चैने बनाई थी, देखिए अब इसमें इस तरह से क्रोशे को डालेंगे ऐसे यहाँ पे, देखिए जोड़ने के लिए इस तरह से क्रोशे को डालेंगे ऐसे और ये स्लिप स्टिच करके फिर यहाँ से एक स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह, फिर एक दोबारा देखिए देखिए इस तरह से डालेंगे क्रोशे हुक को और ऐसे ही निकालेंगे और देखिए फिर यहाँ से इस तरह से स्लिप स्टिच या एक चेन बनाते हुए फिर दो और ये तीन चेन बनाएंगे इस तरह। अब हम तीन चेन बनाने के बाद देखिए नेक्स्ट ये जो हमारा वी बना हुआ है वी स्टिच, ये देखिए ये एक डबल क्रोशे एक चेन और एक डबल क्रोशे बनाया था, इसके बीच में एक चेन वाली जगह पे एक डबल क्रोशे बनाएंगे, ये एक और डबल क्रोशे बनाएंगे दो डबल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर इसी जगह पे दो डबल क्रोशे एक और ये दो डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। अब देखिए हमारा फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे आ गया तो इसके ऊपर हम ये देखिए फिर से फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह और जो ये हमारी वी स्टिच आएगी दो इस जो एक चेन वाली जगह है वी, तो इसमें दो डबल क्रोशे एक और ये दो डबल क्रोशे एक चेन और ये दो डबल क्रोशे एक डबल क्रोशे और एक और डबल क्रोशे इस तरह से बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। अब देखिए फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे के ऊपर देखिए आगे से क्रोशे को डालेंगे और ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। अब नेक्स्ट ये जो हमारा वी स्टिच है वी के ऊपर हम अंदर हम दो डबल क्रोशे एक, दो डबल क्रोशे दो और एक चेन बनाएंगे और यहाँ पे दो डबल क्रोशे और एक और ये दो इस तरह से। अब ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे इसके ऊपर देखिए इस तरह से एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे, तो ये राउंड हम इस तरह से बनाते जाएंगे, बहुत ही ईजी है। देखिए इस तरह से ये हमारा राउंड बना, ये देखिए ये ऐसे ऐसे ये डिज़ाइन बन के आएगा। अब लास्ट में देखिए ये हमने यहाँ पे बनाया जो थ्री चेन्स हैं इसमें इस तरह से क्रोशे को डालेंगे और ऐसे ये निकालेंगे स्लिप स्टिच करेंगे, अब यहाँ से एक दो और ये तीन चेन बनाएंगे। अब देखिए तीन चेन बनाने के बाद ये जो दो डबल क्रोशे हैं इनके बीच में क्रोशे को डालेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। अब ये दो डबल क्रोशे एक चैन और दो डबल क्रोशे बनाए थे, ये जो एक चैन वाली जगह दो डबल क्रोशे के बीच में उसमें हम फिर से एक डबल क्रोशे, ये दो डबल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर इसी जगह पे एक डबल क्रोशे और एक और डबल क्रोशे इस तरह से बनाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए ये दो डबल क्रोशे के बीच में जो जगह है उसमें भी हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, देखिए इस तरह बनाया। और फिर देखिए ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे इसमें देखिए आगे से इस तरह से क्रोशे को डाल के उसके ऊपर फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे बनाएंगे। फिर नेक्स्ट देखिए अब ये जो दो डबल क्रोशे एक चैन और दो डबल क्रोशे वाली जगह है तो हम सबसे पहले दो डबल क्रोशे के बीच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह, देखिए। और फिर ये एक चेन वाली जगह है दो डबल क्रोशे के बीच में तो इसमें देखिए एक डबल क्रोशे और एक और डबल क्रोशे, एक चेन और दो डबल क्रोशे, बहुत ही सिंपल पैटर्न है ये पूरा, एक डबल क्रोशे और ये दो डबल क्रोशे इस तरह बनाया। फिर ये नेक्स्ट दो डबल क्रोशे के बीच में जो जगह है उसमें एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से, ये बढ़ाएंगे देखिए इस तरह से। अब ये जो फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशे है इसमें आगे से डालेंगे फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह, देखिए बहुत ही सिंपल पैटर्न है। अब नेक्स्ट एक बार और बता दें, दो डबल क्रोशे के बीच में फिर से दो डबल क्रोशे एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब देखिए दो डबल क्रोशे एक चेन और ये दो डबल क्रोशे है ना, ये एक चेन वाली जगह पे क्रोशे को डालेंगे इस तरह, इसमें दो डबल क्रोशे एक चेन और ये दो डबल क्रोशे एक और ये
दो डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर ये दो डबल क्रोशे के बीच में देखिए एक डबल क्रोशे बनाएंगे, इस तरह से बनाएंगे। और ये फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह। तो अपना ये पैटर्न कंटिन्यू करते जाएंगे, देखिए बहुत ही सुंदर बनता है और बहुत ही इजी। देखिए ये जो है ये पैटर्न मैंने, ये देखिए ये तीन नंबर के गोपाल जी के लिए बनाया है। तो ये देखिए इतना, ये इतना प्यारा सा डिज़ाइन बनता है इसका। तो इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा, इसका कलियाँ बन जाएंगी। तो ये देखिए इस तरह से। तो अब हम ये देखिए हमारे ये इस तरह से बना। तो अब हम देखिए नेक्स्ट ये जो तीन ये चेन है इसमें देखिए इस तरह से क्रोशियो को डालेंगे, ये थ्रेड को ऐसे स्लिप स्टिच करेंगे इस तरह, एक दो और ये तीन चेन बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट तीन चेन, देखिए हमारा जैसे यहाँ पे हमारे पास तीन चेन वाली जगह में ये फ्रंट पोस्ट आ गया, मगर इसमें हमारे पास तीन चेन वाली जगह में फ्रंट पोस्ट नहीं आया। तो यहाँ पे देखिए एक तरह से ये हमारा फ्रंट पोस्ट बन गया तीन चेन वाली जगह। इस वाली डिज़ाइन में हमारे पास दो फ्रंट पोस्ट आ गए, क्योंकि ये यहाँ से जब हम चेन लेते हैं तो यहाँ से कम ज़्यादा होने की वजह से इस तरह से परफेक्ट के लिए आपको यहाँ से बीच में से स्किप करना पड़ेगा, वैसे ये डिज़ाइन भी परफेक्ट ही बनेगा। तो अब देखिए तीन चेन बनाने के बाद अब देखिए नेक्स्ट ये देखिए जो ये डबल क्रोशे के बीच में क्रोशे को डालेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट दो डबल क्रोशे के बीच में देखिए क्रोशे को डालेंगे एक, सॉरी दो डबल क्रोशे के बीच में क्रोशे को डालेंगे एक डबल क्रोशे। नेक्स्ट दो डबल क्रोशे के बीच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब देखिए हम यहाँ पे एक चेन वाली जगह में आ गए, ये जो एक चेन है ना दो डबल क्रोशे के बीच में, तो इसमें हम एक चेन वाले गैप में हम एक डबल क्रोशे और ये दो डबल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर इसी जगह पे एक डबल क्रोशे और ये एक और डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे, एक चेन और दो डबल क्रोशे इस तरह से। फिर नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट हम ये दो डबल क्रोशे के बीच में क्रोशियों को डालेंगे, एक डबल क्रोशे बनाएंगे। अब नेक्स्ट भी हमारे पास ये दो डबल क्रोशे हैं, तो यहाँ पर भी हम एक डबल क्रोशे बनाएंगे इनके बीच में। देखिए इस तरह से ये हमारा कली बनेगी, ऐसे यहाँ से हमारे डबल क्रोशे बढ़ते जाएंगे। अब देखिए फ्रंट पोस्ट आया, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाया इस तरह। अब नेक्स्ट देखिए दो डबल क्रोशे आए, इनके बीच में ऐसे क्रोशियों को डालेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट ये देखिए डबल क्रोशे आया, उनके बीच में क्रोशियों को डालेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे। अब देखिए ये जो एक चेन वाली जगह है जो हमने डबल क्रोशे के बीच में एक चेन वाला गैप छोड़ा है, तो इसमें हम अपना दो डबल क्रोशे बनाएंगे, एक और ये दो, दो डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे, फिर इसी जगह पर एक डबल क्रोशे और ये एक और डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे। नेक्स्ट दो डबल क्रोशे के बीच में, अब ये बनाने के बाद दो डबल क्रोशे, एक चेन और दो डबल क्रोशे बनाने के बाद दो डबल क्रोशे के बीच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। नेक्स्ट दो डबल क्रोशे के बीच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, इस तरह से, इस प्रकार। अब देखिए फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, आगे से इस तरह से डालेंगे और ऐसे ये एक फ्रंट पोस्ट बनाया। अब देखिए दो डबल क्रोशे के बीच में ये दो डबल क्रोशे बनाएंगे। तो देखिए इस तरह से ये बनेगा हमारा, बहुत ही ईजी है। ये देखिए इसको बनाते जाएंगे एंड तक। देखिए इस तरह से हमारा ये पैटर्न बनेगा। तो ये कलियाँ बढ़ती जाएंगी। अब लास्ट में हम देखिए ये जो थ्री चेन है इस तरह से क्रोशियो को डालेंगे, इस तरह स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। अब एक चेन, दो और ये तीन चेन बनाएंगे। तीन चेन बनाने के बाद ये राउंड भी सेम लास्ट राउंड की तरह ही है, बहुत इजी है। देखिए दो डबल क्रोशे के बीच में ये एक डबल क्रोशे बनाएंगे। ये देखिए दो डबल क्रोशे हैं, इनके बीच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। अब ये जो दो डबल क्रोशे हैं इनके बीच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह। अब ये देखिए एक चेन वाली जगह आ गई, ये देखिए एक चेन वाली जगह में हम एक डबल क्रोशे, एक और डबल क्रोशे, फिर एक चेन, फिर यहीं पर एक डबल क्रोशे और एक और डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे, एक चेन और दो डबल क्रोशे इस तरह बनाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट हम
ये देखिए, जो ये दो डबल क्रोशे के बीच में जगह है उसमें ये एक डबल क्रोशे बनाएंगे यहाँ पर, इस तरह एक डबल क्रोशे। फिर ये दो डबल क्रोशे के बीच में जो जगह है उसके बीच में एक डबल क्रोशे ऐसे बनाएंगे, और फिर ये दो डबल क्रोशे के बीच में जो जगह है इसके बीच में एक डबल क्रोशे इस तरह बनाएंगे। देखिए कली बनेगी इस तरह। अब ये देखिए फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, तो ये राउंड भी इतना ही सिंपल है, बनाते जाएंगे। फिर दो डबल क्रोशे के बीच में डबल क्रोशे, फिर दो डबल क्रोशे के बीच में डबल क्रोशे, इस तरह बना के जब हम एक चेन वाली जगह में आ जाएंगे उसमें फिर दो डबल क्रोशे, एक चेन और दो डबल क्रोशे बनाएंगे। इस तरह से ये कली बनाते जाएंगे आगे, और फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, ये वाला राउंड भी इस तरह बनाते जाएंगे। देखिए इस तरह से ये हमारा बनेगा। अब लास्ट में देखिए हमारे पास ये जो तीन चेन है उसमें से इस तरह से क्रोशियो को निकालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे ऐसे। स्लिप स्टिच करने के बाद फिर यहाँ पे एक दो और ये तीन चेन बनाएंगे। अब फिर से सेम जैसे हमने पहले किया था, बस ये इसमें ये कलियाँ, ये डबल क्रोशे बढ़ते जाएंगे। तो दो डबल क्रोशे के बीच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट दो डबल क्रोशे के बीच में डालेंगे एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए दो डबल क्रोशे के बीच में डालेंगे एक डबल क्रोशे बनाएंगे क्रोशे को, फिर से दो डबल क्रोशे के बीच में डालेंगे और एक डबल क्रोशे बनाएंगे इस तरह से। अब एक चेन वाली जगह आ गई, अब एक चेन वाली जगह आई तो उसमें देखिए एक डबल क्रोशे और एक और डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे, एक चेन और दो डबल क्रोशे, एक और ये दो, दो डबल क्रोशे इस तरह से। अब नेक्स्ट ये दो डबल क्रोशे के बीच में फिर डबल क्रोशे, दो डबल क्रोशे के बीच में देखिए फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे, दो डबल क्रोशे के बीच में डबल क्रोशे, अब दो डबल क्रोशे के बीच में डबल क्रोशे इस तरह। अब फ्रंट पोस्ट के ऊपर देखिए फ्रंट पोस्ट बनाएंगे इस तरह। तो ये हम इस तरह से रिपीट करते जाएंगे, फ्रंट पोस्ट के बाद टू डबल क्रोशे के बीच में क्रोशे को डालेंगे, डबल क्रोशे बनाएंगे, और जहाँ पे एक चेन वाली जगह आएगी मिड में तो उसमें दो डबल क्रोशे, एक चेन और दो डबल क्रोशे बनाएंगे। तो इस तरह ये कलियाँ बनाते जाएंगे, बहुत ही आसान है। देखिए इस तरह से ये हमारी ये पैटर्न बनेगा, बहुत ही ईजी है। अब लास्ट में देखिए ये हम ये जो थ्री चेन वाली जगह है इसमें से इसे ऐसे क्रोशियो को डालेंगे और स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बनाएंगे, यहाँ से चेन बनाएंगे हम। देखिए या तो आप सेम धागे से कंटिन्यू कर सकते हैं इसको, यहाँ से मैं थ्रेड चेंज करूँगी। अब देखिए इस तरह से इसको निकाल लेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए इस तरह से अब एक डिफरेंट कलर के बोल लेंगे, उसमें स्लिप नॉट बनाएंगे। सबसे पहले तो स्लिप नॉट बनाने के बाद देखिए अपने पैटर्न को पकड़ेंगे, ये जो ये वाली जगह है तीन चेन वाली इसमें इस तरह से फ्रंट साइड से क्रोशियो को डालेंगे और इस स्लिप नॉट को डालेंगे इस तरह, और एक यहाँ पे ऐसे चेन बना लेंगे, एक चेन बनाएंगे और दो और ये तीन चेन बनाएंगे। यहाँ से हम आप चाहे तो सेम कलर की वूल से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और इस वाले थ्रेड को पीछे की तरफ लेके जाएंगे, इसको क्रोशियो किया सुई धागे के हेल्प से हाइड कर लेंगे। देखिए अब ये जो दोनों थ्रेड हैं इसको सिक्योर करने के लिए निकले ना, ये देखिए यहाँ पे नॉट बना लेंगे, हम नॉट लगा लेंगे। इस तरह अब इससे निकलेगा नहीं हमारी दोनों थ्रेड, और जॉइन भी हो गई, और ये इसको क्रोशियो किया सुई धागे की हेल्प से लूप्स में डाल के हाइड कर लेंगे ये जो एक्स्ट्रा थ्रेड है। अब देखिए तीन चेन बनाई, फिर सेम वही पैटर्न रिपीट करेंगे। ये देखिए दो डबल क्रोशे के बीच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, नेक्स्ट दो डबल क्रोशे के बीच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, अब इसके अगले नेक्स्ट दो डबल क्रोशे के बीच में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, जब तक कि हमारे पास एक चेन वाली जगह नहीं आती मिडल में, एक डबल क्रोशे बनाएंगे। देखिए इस तरह
दो डबल क्रोशिया बीच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए एक चेन वाली जगह में वही सिंपल एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, एक चेन और दो डबल क्रोशिया, ये दो डबल क्रोशिया, फिर एक चेन और यहीं पर हम एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो। तो इस तरह से ये बनाया देखिए। अब नेक्स्ट दो डबल क्रोशिया के बीच में डबल क्रोशिया, तो इस तरह से ये बनाते जाएंगे, दो डबल क्रोशिया के बीच में डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया के बीच में डबल क्रोशिया, डबल क्रोशिया, जब तक हमारी फ्रंट पोस्ट वाली जगह नहीं आती, दो डबल क्रोशिया के बीच में डबल क्रोशिया। अब देखिए फ्रंट पोस्ट वाली जगह आ गई, फ्रंट पोस्ट में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, सेम बनाएंगे, कोई चेंज नहीं करेंगे। तो इस तरह से ये पैटर्न बनाते जाएंगे जैसे हम बनाते आए हैं, बहुत ईजी है। ये देखिए इस तरह से ये पैटर्न बनेगा। अब लास्ट में हम ये जो तीन चेन है इसको देखिए इस तरह से क्रोशियो को निकालेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे और एक चेन बनाते हुए अपनी थ्रेड को जो है कट करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमारा पैटर्न बना, देखिए ऐसे। तो देखिए आप घेर, बहुत ही अच्छा घेर बना है इसका। अगर आप बढ़ाना चाहे तो और सेम इसी पैटर्न से बढ़ा सकते हैं, अगर ये बहुत काफ़ी बड़ा घेर है तो आप इतना ही बनाएं तो परफेक्ट है ये। देखिए जो एक्स्ट्रा थ्रेड है उसमें सुई डालेंगे और ये जो लूप्स हैं बैक साइड में इनमें डालते हुए हाइड कर लेंगे, जिससे धागा दिखाई भी ना दे और निकले भी ना, इस तरह। अब ये जो है थ्रेड को कट कर लेंगे, एक्स्ट्रा जो थ्रेड है हमारी। देखिए अब ये जो ये वाली थ्रेड है इसको भी सेम हम लूप्स में डाल के हाइड कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा थ्रेड थी उसमें सुई डालेंगे और इसको लूप्स में डालते हुए बैक साइड में हाइड कर लेंगे, ऐसे हमारा थ्रेड दिखेगा भी नहीं और निकलेगा भी नहीं। सेम कलर की थ्रेड को सेम कलर के पोर्शन में ही डालेंगे तो दिखेगी नहीं। अब ये जो बची हुई थ्रेड है इसको भी कट कर लेंगे। तो ये देखिए हमारी जो थ्रेड है ये हाइट हो गई और ये देखिए हमारा पैटर्न कितने अच्छा बन गया, हैवी सा, काफ़ी अच्छा। अब हम इसकी बेडिंग आउटलाइन या बॉर्डर बनाएंगे। देखिए अब हम इसकी ये बॉर्डर बनाएंगे, तो यहाँ पे क्रोशियो को डालेंगे इस तरह और ये जो थ्रेड है इसको इस तरह से अटैच करेंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और ये जो थ्रेड है इसको साथ साथ बुन लेंगे इस तरह से, इस ताकि हाइट हो जाए। अब देखिए नेक्स्ट ये जो डबल क्रोशिया के बीच में जो लूप है कहीं पर भी डालेंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। ये जो हमें अब लूप जो मिलते जाएंगे, जो चेन मिलती जाएगी हम बनाते जाएंगे उसमें सिंगल क्रोशिया। अब देखिए डबल जो चेन है इनके बीच में डालेंगे इस तरह से, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, ये देखिए और ये देखिए इस तरह, ये डबल क्रोशिया के बीच में से ऐसे डालेंगे, ये थ्रेड इसको साथ साथ बुन लेंगे, ये देखिए। तो इस तरह से ये बनाते जाएंगे अपना ऐसे सिंगल क्रोशिया। जो भी हमें लूप मिलता जाएगा इस तरह, अब डबल क्रोशिया के बीच में से निकालेंगे ऐसे लूप, ये देखिए अब यहाँ पे डालेंगे इस तरह। अब देखिए हम ये कॉर्नर में आ गए, तो कॉर्नर वाली चेन में हम ये देखिए
एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, एक चेन बनाएंगे और इसी वाली जगह पे एक सिंगल क्रोशे और बनाएंगे इस तरह। अब देखिए ये हमारा इस तरह से बना। अब हम ये नेक लाइन में आ गए। नेक लाइन में हम नेक लाइन में देखिए ये जो चेन है, सभी चेनों में देखिए क्रोशियों को डालेंगे। चाहे तो आप सिंगल क्रोशे करें, चाहिए स्लिप स्टिच करें, इस तरह से नेक्स्ट चेन में डालेंगे स्लिप स्टिच। आप सिंगल क्रोशे भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से सभी चेनों में करते जाएंगे। तो ये जो है इस तरह से हम बनाते जाएंगे और सेम यहाँ पे आएंगे कॉर्नर में, फिर एक एक सिंगल क्रोशे, एक चेन और एक सिंगल क्रोशे बनाते हुए ये हम एंड तक ले आएंगे। इस तरह से बनाते हैं। देखिए इस तरह से ये हमारा बना पैटर्न। ये बैक साइड भी देखिए यहाँ से ऐसे, और ये हमने यहाँ पे स्लिप स्टिच करी थी तो ये इस तरह से बना, और ये ऐसे। तो देखिए ऐसे बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही इजी पैटर्न है ये। इस तरह से आप बाजू भी बना लेंगे ये बॉर्डर या बीडिंग बना के। तो देखिए इस तरह से ये हमारा जो ये चार नंबर के गोपाल जी की ड्रेस बन गई। यहाँ पे आप चिट बटन या फिर क्रोशे से डोर बना के, डोरी बना के लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका घेर बना है। देखिए ये देखिए ये बहुत ही इजी पैटर्न है और मैंने इसे स्टेप बाय स्टेप बताया है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।